ने नशाखोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 300 लीटर कच्ची शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। बिजनौर के थाना बड़ापुर में 300 लीटर कच्ची शराब के साथ पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बिजनौर में अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। शराब बेचकर बनाने वाले के विरुद्ध पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चंपतपुर चकला थाना बड़पुर के जंगल से अभिदर्शन सिंह को रबड़ के ट्यूब में भरी 300 लीटर अवैध शराब व 500 ग्राम यूरिया शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया है। राजीव कुमार, बिजनौर, समाचार 24। थाना बड़ापुर क्षेत्र में जैसा कि आप जानते हैं कच्ची देसी शराब का कारोबार चलता रहता है और मुखबिर की सूचना पर SWAT और वहाँ के स्थानीय पुलिस बल बड़ापुर की पुलिस ने दबिश दिया, जिसमें शराब बनाने की फैक्ट्री जिसमें से दो अभियुक्त थे दर्शन और अमरीश सिंह, दर्शन सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से 6 रबर ट्यूब में 300 लीटर अवैध शराब, 500 ग्राम यूरिया और 1000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। शराब बनाने के जो गैंग हैं, जो इनके भट्टियाँ हैं, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। स्थानीय पुलिस बल को निर्देश दिया गया, टीम बना करके SPRA के नेतृत्व में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।